फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियोस है वो बीच वीडियो जो बनाई हुई है मैंने एक से 106 क्वेश्चन तक की, तो बीच में से ही वो कट गई थी, तो उसके बाद की मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये एक पूरा साइबर सुरक्षा से संबंधित टॉपिक हो जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा। ये पूरे 106 प्रश्न ही आपको साइबर सुरक्षा वाले टॉपिक में करना है। तो इसके पहले के जस्ट अभी मैंने अपलोड किया है 5 मिनट पहले, तो पहले आप वो देखिएगा फिर इसको देखिएगा, लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर कौन फैलता है? बॉम्ब फैलता है। स्केयर वेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार होता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को ये प्रभावित करता है, और कब प्रभावित करता है? डाउनलोडिंग के समय। तो डाउनलोडिंग के समय इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को कौन प्रभावित करता है? स्काई वेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली जो साइबर सुरक्षा कंपनी है उसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इजरायली जो साइबर सुरक्षा कंपनी है उसके द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? पेगासस स्पाईवेयर है। कौन सा है? पेगासस। पेगासस इजरायल द्वारा विकसित है। उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर को व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है कौन? ये जो इजरायली जो है आपका पेगासस स्पाईवेयर, ये उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर की व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर वर्म कौन सा है? स्टक्सनेट है। स्टक्सनेट की खोज कब हुई थी? 2010 में हुई थी। स्टक्सनेट किसको प्रभावित करता है? स्टक्सनेट औद्योगिक संयंत्र को प्रभावित करता है। स्केडा को भी इसने ही प्रभावित किया था। नेक्स्ट, स्केडा क्या होता है? तो ये सीमेंस सुपरवाइजरी एडवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्सवेजिशन है। स्केडा क्या है? सीमेंस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्सवेजिशन है, एक्वेजिशन है, याद रखिएगा। क्या है? सीमेंस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वेजिशन। ग्रेवेयर क्या है? ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम अनुप्रयोगों को अवांछित एवं अनैतिक तरीके से वर्गीकृत करता है। ऐसे प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम अनुप्रयोगों को अवांछित और अनैतिक तरीके से वर्गीकृत करता है। ग्रेवेयर में क्या शामिल होता है? स्पाईवेयर, एडवेयर, डायलर्स, जोक प्रोग्राम्स ग्रेवेयर में शामिल होते हैं। कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़े अनुरोध को निर्धारित नियमों के अनुसार कौन जांच करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। स्मार्ट डॉक क्या है? स्मार्ट डॉक एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है, कंप्यूटर वायरस को समाप्त करके इसका उपयोग किया जाता है। स्मार्ट डॉक क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है, कंप्यूटर वायरस को समाप्त करके इसका उपयोग किया जाता है। पलाडियम क्या होता है? पलाडियम वह प्रणाली होती है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को चुस्त दुरुस्त बनाने में विकसित किया। पलाडियम क्या है? पलाडियम एक प्रणाली है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को चुस्त दुरुस्त बनाने विकसित किया। क्रोजर क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने के बाद बच्चों की मानसिकता पर यह बुरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है हैंडसेक। हैंडसेक क्या है? सूचनाओं के गमन को ये सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं? तो हैंडसेक को ही फ्लो कंट्रोल कहते हैं, और ये क्या होता है? ये सूचनाओं के गमन को सुरक्षित करता है। फायरवॉल क्या है? इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल है। ये फायरवॉल को आप ये नहीं कह सकते ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, दोनों ही इसमें रहते हैं। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें आसानी से सुलभ नेटवर्क और लेन देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार होता है, क्या होता है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये मेरा जो लास्ट वीडियो है उसका छूटा हुआ पार्ट है, वो गलती से कट हो गया था बीच में से, तो मैंने उसका दूसरा, क्योंकि उसको एक वीडियो में ही मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना था, तो बीच में से कट हो गया था, इसलिए मैंने ये जो थोड़ा सा भाग बचा था उसको दूसरा वीडियो में बना दी हूँ, तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। CERT क्या होता है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है उसको बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा बना हुआ ये कार्यात्मक एक संगठन होता है, ये कैट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, और इसकी नोडल एजेंसी है खतरों का अन्वेषण। इसकी जो नोडल एजेंसी है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और ये खतरों का अन्वेषण करने का काम करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रावधान किन किन धाराओं में किए गए हैं? तो धारा 43, 43 ए, 66, 66 बी, 66 सी, 66 डी, 66 ई, 66 एफ, 67, 67 ए, 77, 72, 72 ए और 74। धाराएं हैकिंग साइबर अपराध से संबंधित होती हैं। साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो होता है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय साइबर सुरक्षा के लिए नोडल
एजेंसी होती है। विशिष्ट क्षेत्रों में नोडल एजेंसी कौन सी होती है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर सुरक्षा के लिए कितने वर्ष का दंड दिया जाता है? 2 वर्ष का दंड और 3 उम्र कैद जुर्माना दिया जाता है। NHPC क्या होता है? नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर होता है। ये साइबर सुरक्षा नीति के तहत गठित होता है। साइबर सुरक्षा में अंतर एजेंसी समन्वय के लिए क्या गठित होता है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र होता है। साइबर हमले को विफल करने भारत में गठित कौन सी टीम है? CERT इसको बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर ई से इमरजेंसी, आर से रिस्पांस और टी से टीम। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है साइबर हमले को विफल करने भारत में गठित टीम। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ कब हुआ? 28 अगस्त 2019 को हुआ। इसमें किस पे चर्चा हुई? नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर इसमें चर्चा हुई और इसमें साइबर सुरक्षा केंद्र बनाने पर भी सहमति हुई। आपसे पूछ सकते हैं साइबर सुरक्षा केंद्र बनाने पर सहमति किस सम्मेलन में हुई? 2019 के सम्मेलन में हुई। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और साइबर योद्धा पुलिस बल 14C की स्थापना कब हुई? 2018 अक्टूबर में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब हुई? 19 जनवरी 2018 को। इसके 3 स्तंभ हैं, जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य और सहयोग। इसमें किस किस का सहयोग दिया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने दिया। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरुआत कब हुई? 30 अगस्त 2019 को। क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 30 अगस्त 2019 को हुई। स्टॉकिंग साइबर बुलिंग पर नियंत्रण इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का? तो स्टॉकिंग साइबर बुलिंग पर यह नियंत्रण करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 106 क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा साइबर सुरक्षा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ी देर में एक और वीडियोस में लेके आऊँगी। इस प्रकार से आपको अगले 25 जुलाई तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। ये मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें तैयार कर लेनी है। ये मेरे प्री और मेंस नोट्स की डिटेल है। प्री और मेंस के नोट्स में आपको प्री की 16 बुकलेट मिलेंगी, प्री टेस्ट की 3 बुकलेट मिलेंगी, मेंस की अब आपको टोटल 27 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको ओल्ड पेपर की भी 12 फाइल मिलेंगी। तो 12 फाइल आप ओल्ड पेपर की मिलेंगी प्लस 8 फाइल आपको 3 मेरकर मारकर की मिलेंगी। टोटल मेंस की बुकलेट आपकी 70 रहेंगी प्लस टोटल मेंस और प्री की बुकलेट आपकी कितनी रहेंगी? 70 रहेंगी। तो आप इनको मंगा सकते हैं। प्री और मेंस दोनों ही नोट्स उपलब्ध हैं, हैंड रिटन है। आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। देखिए, और ये फ्रेंड मेरे प्री की टेस्ट सीरीज़ है। प्री की टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ये टोटल 100 टेस्ट रहेंगे। हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक टेस्ट आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा। इस प्रकार से टोटल आपके 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट सीरीज अलग अलग टॉपिक वाइज आप इनको सॉल्व में, करंट अफेयर्स के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं और इंडिया और वर्ल्ड के भी करंट अफेयर्स के हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है। प्री के नोट्स हैं। प्री के नोट्स में आपको ये 16 बुकलेट आपको मिलेंगी जो 1 से 10 यूनिट तक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये प्री और मेंस के नोट्स हैं। प्री और मेंस के नोट्स में आपको 27 बुकलेट आपको मिलेंगी मेंस की, 12 बुकलेट आपको सॉल्ड पेपर की मिलेंगी और 8 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैकेज है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लास्ट मेंस में इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।